हेलो फ्रेंड्स, मैं एल आर कुमावत, प्रवक्ता मैकेनिकल आर एस इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज अपन एडवांस रेफ्रिजरेशन MR 301 के कंडेंसर टॉपिक नंबर एक में कंडेंसर के वाटर कूल्ड कंडेंसर में स्टडी करेंगे, जिसमें अपन सेलेंट ट्यूब की कर चुके हैं ना। अब आज अपन सेलेंट कोयल एंड डबल ट्यूब टाइप की स्टडी करेंगे। आज अपन सेलेंट कोयल टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें ये बाहर की जो बाहर एक सिलेंड्रिकल सेल होती है, ये वाली सिलेंड्रिकल सेल है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, और इसके अंदर एक जो है ट्यूब्स जो होती है उसकी कोयल बनी होती है। एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ये जो है कोयल बनी हुई है एक इसके ट्यूब की, जो ट्यूब है आपकी वो कॉपर की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। यदि इसको अमोनिया के लिए यूज करते हैं तो कॉपर की यूज़ नहीं करनी है, अदरवाइज कॉपर इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर हीट ट्रांसफ़र, इसलिए कॉपर की यूज़ कर सकते हैं। ये जो बाहर की सेल बनी होती है वो स्टील की बनी होती है। इसके अंदर जो है एक साइड से यहाँ से जो है जैसे यहाँ से आपकी हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर एंटर होती है, एंटर होकर के इसके संपर्क में आती है, इसमें से आपका कोल्ड वाटर फ्लो रहता है, कोयल में से आपका कोल्ड वाटर जो है वो फ्लो होता रहता है, जिसके कारण से हीट लेता है और अपने गर्म होकर बाहर चला जाता है। इसके अंदर एक खास बात यह है कि यहाँ से जो है ना मिनिमम टेम्परेचर का वाटर, यहाँ पर टेम्परेचर मिनिमम वाटर का टेम्परेचर एंटर होता है, और यहीं पर आपका जो है कंडेंस होकर के मिनिमम टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ इकट्ठा होता है। मतलब कि ये आपका एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है। मतलब यहाँ से आपकी जैसे कोल्ड लिक्विड यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से एंटर हुआ यहाँ से, और यहाँ से जो है ना आपका मिनिमम कोल्ड जो रेफ्रिजरेंट है जिसको अपन ने ठंडा किया है वो आपका यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, लेकिन जो आने वाली वेपर है रेफ्रिजरेंट वेपर है उसका भी टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यहाँ से आपकी जो रेफ्रिजरेंट वेपर आती है वो सबसे ज़्यादा गर्म यहाँ होती है, उसके बाद में इसके संपर्क में आने में उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है और इसका भी आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसलिए हीट ट्रांसफर की रेट आप इसमें बढ़ जाती है। तो दिस इज़ द सेल एंड कोयल टाइप वाटर कूल्ड रेफ्रिजरेंट वाटर कूल्ड कंडेंसर। इस कंडेंसर की जो है खास चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये जो है मेडअप ऑफ बेयर एंड फिन ट्यूब कोयल एनक्लोज इन ए सिलेंड्रिकल स्टील। ये जो आपके ट्यूब्स लगाती है वो बेयर भी हो सकती है और इसमें फिन्स भी लगी होती है। फिन्स लगाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण से हीट ट्रांसफर की रेट बढ़ जाती है, अदरवाइज लेकिन उसके लिए स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा और जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसकी क्वांटिटी भी उस पर डिपेंड करेगी। देन कंडेंसिंग वाटर जो है वो ट्यूब्स के अंदर से जो कोयल लगी हुई है, कोयल ट्यूब लगी हुई होती है उसके अंदर से प्रवाहित होता है, और रेफ्रिजरेंट जो है इसके बाहर जो आपकी एनक्लोजर बच गया कोयल के बाहर वाला और जो सेल है सिलेंड्रिकल सेल है उसके बीच वाला जो हिस्सा है उसमें आपका बाहर की तरफ फ्लो होता है, और रेफ्रिजरेंट जो है आपका वेपर में के रूप में एंटर होता है और बाद में लिक्विड रेफ्रिजरेंट के रूप में बॉटम से बाहर निकलता है। इसके अंदर एक चीज़ और भी है, यदि एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर विल टेंड टू इंक्रीज द डिस्चार्ज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो आपका अभी मैंने बताया आपको इसके बॉटम से यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाहर आता है, तो यहाँ पर जो है ना आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट इकट्ठा होता रहता है यहाँ पर, और आवश्यकता अनुसार आगे अपन एक्सपांशन वाल्व में भेजते रहते हैं। एक तरह से रिसीवर का काम भी इसी से करवा लेते हैं, रिसीवर अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब यदि यहाँ पर एक निश्चित मात्रा के बाद में यदि ज़्यादा यदि लिक्विड यहाँ पर एक्सेसिव लिक्विड जो है रेफ्रिजरेंट यदि इकट्ठा होने लग जाएगा तो इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि कूलिंग आपकी आगे से कूलिंग के लिए इसको स्पेस कम मिलेगा, साथ ही जो आने वाला वेपर है वो भी आपका इसको वेपराइज करेगा, इसलिए टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही डिस्चार्ज के प्रेशर यानी यहाँ इसका अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो डिस्चार्ज प्रेशर आ रहा है वो भी आपका इंक्रीज होगा। तो ये स्पेशली ध्यान रखने की बात थी जो मैंने आपको बताया। दीज कंडेंसर्स आर यूज इन स्मॉल इंस्टॉलेशन अप टू 10 टन कैपेसिटी, ये 10 कैपेसिटी तक ही काम में ले जाते हैं, स्मॉल इंस्टॉलेशन के लिए काम में लेते हैं, इसमें ज़्यादा बड़े के लिए अपन काम में नहीं लेते हैं। ये जो इनको क्लीनिंग करने के लिए जो है ना कोयल्स को क्लीन करने के लिए ज़्यादातर जो है ना इसमें केमिकल अपन जो है इसके कोयल के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, जो अप्रोप्रिएट केमिकल होता है उस केमिकल से इसकी स्केल वगैरह जो भी बनी है वो आपकी क्लीन होकर के इसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है। दिस इज द सेल एंड कोयल टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। नाउ वी विल डिस्कस डबल ट्यूब
टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। इसमें क्या होता है, इसमें जैसा कि नाम है डबल ट्यूब मीन्स दो ट्यूब होती है, एक ट्यूब स्मॉल डायमीटर की होती है, एक लार्ज डायमीटर की होती है, और एक के अंदर दूसरी ट्यूब लगी होती है। एक जैसे ये ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये वाली एक ट्यूब है, और इसके ऊपर ये दूसरी ट्यूब जिसका डायमीटर ज़्यादा है, ये वाली ट्यूब इसके ऊपर लगा दी गई है। तो ये आपकी डबल ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर हो गया। इसके अंदर वाली जो ट्यूब है, इसके अंदर से कोल्ड वाटर प्रवाहित होता है, ये वाला, और इसके बाहर वाली जो इन दोनों के बीच में कोल्ड, इस ट्यूब और बड़ी वाली ट्यूब, छोटी और बड़ी वाली ट्यूब के बीच में जो स्पेस बच गया, ये वाला स्पेस बच गया, इस स्पेस में जो है रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। इसमें भी ये भी काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। देखिए यहाँ पर इसका कट सेक्शन मॉडल दिखा रखा है। कट सेक्शन में ये वाली अंदर वाली ट्यूब है, ये वाली ट्यूब अंदर वाली है, जिसके अंदर से वाटर फ्लो होता है। इस ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो होता है, और इसके बाहर जो ये बड़ी बाहर वाली ट्यूब है, और इसके यहाँ पर जो है आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा, इसमें से रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा, ये वाला एरिया जो है उसमें से रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। तो बाहर जो है रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, अंदर जो है आपका कोल्ड वाटर फ्लो होता है। इसमें भी आप, मैंने बताया आपको, ये है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है, वहीं से कोल्ड वाटर आपका एंटर करेगा। यानी मिनिमम टेम्परेचर एक जगह रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर एक जगह रहेगा। यानी वाटर का भी यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, और जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसका भी मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। इसके साथ ही इसकी एक खास बात और भी है कि ये जो है आपका, चूँकि बाहर वाली ट्यूब और अंदर वाली ट्यूब के बीच के स्पेस से रेफ्रिजरेंट वेपर जो है ना वो एंटर करती है, इसलिए अंदर वाली स्पेस पे तो ये जो वाटर जो फ्लो हो रहा है वो हीट लेता है ताकि इसकी कूलिंग की जा सके, और बाहर वाली स्पेस पे यहाँ पर एयर फ्लो हो रही है, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूसली एयर कूलिंग भी होती है। तो इस तरह से इसका डबल फायदा हो गया कि यहाँ पर एयर कूल्ड भी, ये तरह से कंडेंसर जो एयर कूल्ड भी हो गया और अंदर से वाटर कूल्ड भी हो गया। तो इस तरह से इसका डबल एप्लीकेशन काम में आता है। इसके जो मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। डबल ट्यूब टाइप जो कंडेंसर होता है, मेड अप ऑफ टू ट्यूब्स होता है, मैंने अभी बताया आपको, एक के अंदर दूसरी लगी हुई होती है। कंडेंसर जो कंडेंसिंग वाटर होता है वो अंदर वाली ट्यूब के अंदर से प्रवाहित होता है, बाहर वाली ट्यूब और अंदर वाली ट्यूब के बीच के अंदर जो स्पेस है उसमें से रिप्रेजेंट फ्लो होता है, और एक काउंटर क्लॉक वाइज होता है, काउंटर वाइज फ्लो होता है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होता है, इसलिए ये आपका काउंटर हीट एक्सचेंजर के रूप में भी इसको काम में ले सकते हैं। सम एयर कूलिंग भी जो है ना इसमें रेफ्रिजरेंट में आल्सो प्रोवाइडेड, मैंने बताया बाहर के सरफेस में एयर कूलिंग भी होती है। वाटर रेगुलेटिंग वाल्व यूज किए जाते हैं ताकि वाटर की मात्रा को कंट्रोल किया जा सके। यूज एज ए बूस्टर कंडेंसर, जो एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं जैसे आपके थोड़े बड़े साइज के होते हैं, उनमें यदि लोड ज़्यादा हो जाए तो इनको बूस्टर कंडेंसर के रूप में काम में ले जा सकता है। अदरवाइज इनको स्मॉल कैपेसिटी के जो इंस्टॉलेशंस होते हैं उनके लिए काम में जाता है, बड़े के लिए काम में नहीं जाता। बूस्टर कंडेंसर या स्मॉल इंस्टॉलेशन के लिए ही इन कंडेंसर्स को काम में लिया जाता है। इसमें जो है आपकी हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर जो है ना, एक उस बाहर वाले पाइप में एक साइड से एंटर होती है, दूसरी साइड से लिक्विड के रूप में बाहर निकलती है। इनको क्लीन करने के लिए दोनों मेथड काम में लिए जाते हैं। इनकी यदि साइज बहुत ज़्यादा छोटी है तो केवल केमिकल ही काम में लेंगे, अदरवाइज केमिकल भी और बाहर वाली जो ट्यूब है उसको एंड प्लेट्स को खोल के भी इसको क्लीन किया जा सकता है। तो दिस इज द डबल ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। थैंक यू।